नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका MHV मीडिया में। आज हम बात करेंगे कवच एक्स के डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कि किस तरह से कवच एक्स का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया जा सकता है और कवच एक्स के डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के साथ किस तरह की आप लोगों को सिक्योरिटी दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं प्रेम सर के पास। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग रुचिका, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आज हम बात करने वाले हैं कवच एक्स के डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कि किस तरह से कवच एक्स का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया जा और इसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने पर आप लोग किस तरह की सिक्योरिटी देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर कैसे काम करता है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है वो पर्सन जो अपने जिले में हमारे नाम पर हमारे प्रोडक्ट को आम जनता तक पहुंचाएगा। क्योंकि देखिए, आज भारत की जनसंख्या 150 करोड़ से भी ज़्यादा है और हम MHV मीडिया 200, 400 या 500 लोगों की टीम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम पूरे भारत के हर गांव, हर शहर, हर कस्बे, हर जिले, हर ब्लॉक तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचा सके, इसलिए हम लोगों को सजेस्ट करते हैं आप जुड़िए हमारे साथ और हमारे प्रोडक्ट को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने में हमारी मदद करिए। आप जब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो हम आपको आपका पूरा जिला देते हैं जिसमें आपका काम रहता है। उस पूरे जिले में जो भी ऑर्डर हमारे प्रोडक्ट के होंगे उसको मैनेज करना, उसको प्रॉपर तरीके से डील करना, गाइड करना और साथ में बेहतरीन तरीके से कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाना। इसीलिए हम कस्टमर को बोलते हैं कि आप हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो आप एक सप्लाई सिस्टम का पार्ट बन जाते हो। आप वो पार्ट बन जाते हो जो तोड़ने पर भी टूट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके भरोसे आपका पूरा जिला, आपका पूरा एरिया कंपनी आपको अलॉट करती है और उम्मीद करती है कि आप बेहतरीन तरीके से अपने जिले में काम करेंगे। बहुत ही बढ़िया सर, इसी के साथ हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को किस तरह ग्रोथ की ओर ले जाया जा सकता है? देखिए रुचिका, आप किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लो, आप एक बात का ध्यान रखो, वो ये कि कंपनी जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए बना रही है ताकि आप अपने जिले में उस कंपनी के प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर सके और बिजनेस लेकर आ सके। अगर आप ये सोचकर बैठ जाओगे कि कंपनी ने आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी, आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया, अब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आपका लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गया, इसका मतलब यह है कि आपके पास कस्टमर चलकर आएगा या कंपनी जो है आपके बिहाफ पे मार्केटिंग करके देगी और आप बस बैठे रहोगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए, आज पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग काम करते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, दुनिया की किसी भी कंपनी, हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। हम केवल इंडिया में, इंडिया के बाहर भी अलग अलग कंट्रीज में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं। हमारे लिए सभी डिस्ट्रीब्यूटर इंपॉर्टेंट है, हम सभी के ऊपर बराबर ध्यान दे सकते हैं। हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम हर डिस्ट्रीब्यूटर को वन बाय वन बात करें कि क्या सर, कैसा काम चल रहा है, एक घंटे की मीटिंग रखें और हर चीज बताएं। आप जब तक मुझसे पूछोगे नहीं तब तक तो मैं आपको कुछ भी गाइड ही नहीं कर सकता। एग्जाम्पल समझिए कि आपको अगर प्यास लगी है तो पानी मांगना पड़ता है, तब कोई पानी देता है। बच्चे को भी जब भूख लगती है ना, वो रोता है, तब माँ उसको दूध पिलाती है। तो आप जो है खुद बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे। आप ये समझिए कि आपको कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर बना के एक कार दे दी जिसका गियर, ब्रेक सब कुछ बहुत बढ़िया है और आप उसके ड्राइविंग सीट पर बैठे हो। आप देखो उस कार को कितनी स्पीड में दौड़ा सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि कंपनी का कोई बंदा आपको बोलेगा कि सर एक्सीलेटर ऐसे लगाते हैं, ब्रेक ऐसे लगाते हैं और हैंडल स्टीयरिंग ऐसे घुमाते हैं, वो नहीं हो सकता। आप अपने बिजनेस के मालिक होंगे, आप किस तरीके से कंपनी के नॉर्म्स में रहकर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही सरल तरीके से इस चीज़ को बताया है। अगर मैं अपनी बोलूँ तो मुझे बहुत ये चीज़ अच्छे से समझ में आई और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि बिज़नेस को ग्रोथ की और किस तरह से लेके जाया जा सकता है। तो इसी के साथ मेरा तीसरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि कवच एक्स की डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी लेने के लिए क्या करना होगा? देखिए बहुत आसान है, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या है, कैसे करते हैं। बहुत परफेक्ट आप ना हो कोई बात नहीं, हम आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। बकायदा आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आपका जिला आपके भरोसे आपको दे दिया कि लो जी आपके डिस्ट्रिक्ट के आप डिस्ट्रीब्यूटर हो
और बाद में आपने काम करना बंद कर दिया, आप परेशान हो गए कि भाई बिजनेस क्या होता है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। दूसरी चीज, आपको कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, आपको लोगों से बात करना आना चाहिए, अगर वो आपको आता है बहुत अच्छा है। चौथी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना जरूरी है, कवच क्या है, कैसे काम करता है। इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप जब जुड़ेंगे हमारे साथ तो उससे पहले आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करिए, यूज करके देखिए क्या है नहीं है, जिससे आपको ये समझ में आए कि मार्केट में आप बेचने क्या वाले हो। इसके अलावा आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब आप कस्टमर से बात करोगे तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। जब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो यकीन मानिए आप कवच क्या दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे, आप कभी फेल नहीं होंगे। प्रेम सर के इस जवाब को देखते हुए मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा, अगर आप कवरचेक्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो, एजेंसी लेना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, हमारी पिछली भी जितनी वीडियोज रही है वो कवरचेक्स के ऊपर भी रही है, जिसमें हमने ये बताया है आप लोगों को कि कवरचेक्स क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स है एक्सेट्रा। अगर आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है जो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटरशिप एजेंसी लेना चाहता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पिछली वीडियो को एक बार जरूर देखें और उनसे चीजों को समझें। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है कि कवच के डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बने? राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो या फिर आप किसी भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं कर क्यों रहा हूं। बिल्कुल, इसका पहला रीजन है, ऑब्वियस सी बात, आपको ग्रोथ करना है, आप चाहते हो फाइनेंशियली स्टेबल होना, आप चाहते हो कि आज आपके फैमिली या आपकी पर्सनल इनकम अगर एक महीने का 20,000 रुपए है तो ये बहुत जल्दी 1,00,000 में कन्वर्ट हो। पहला रीजन तो यही है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, जिस कारण आप कवच का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे। बट अगेन, ये हर प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है, कवच की मैं बात करता हूँ। कवच एक ऐसा प्रोडक्ट है रुचि का जिसने आज मार्केट में एक अलग नाम बनाया है। आज हर वो पर्सन जो मोबाइल सेफ्टी या मोबाइल चोरी होने से परेशान था, जो अपने डेटा, अपने घर की सुरक्षा को लेकर परेशान था, उनके लिए कवच है, उन सभी लोगों के लिए कवच है। और इतना ही नहीं, आज हर वो दुकानदार जो चाहता था कि नए मोबाइल के साथ कुछ ऐसा मैं बेचूं जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, जिससे कस्टमर बोले वाह यार ये तो मुझे फोन के साथ दो ही दो, उनके लिए कवच है। इतना ही नहीं, हर वो पर्सन जिनका समझो कि रिटेल जाकर माल बेचना होता था, डीलर टाइप से काम करते थे कि हर दुकान जाकर मैं माल बेचूंगा, उनके लिए कवच है, क्योंकि कस्टमर का डिमांड ही बहुत ज्यादा है। और जब ऐसे डिमांडेड प्रोडक्ट में आप काम करना चाहो तो मैं मानता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर से बेहतरीन ऑप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनकर अपने जिले में अलग अलग डीलर को भी माल देने वाले हैं, अलग अलग दुकानों पर भी माल देने वाले हैं, होलसेल में भी माल देने वाले हैं, आप एंड कस्टमर को भी माल देने वाले हैं। अगर ये चीज आपको मिलती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बेहतरीन प्रोडक्ट एक बेहतरीन और अफोर्डेबल प्राइस में अगर आपको मिल जाए तो मैं मानता हूं डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए उससे बेहतरीन आइडिया कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जिस तरह से प्रेमचंद ने इस सवाल का जवाब दिया है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको आगे कुछ और भी समझाने की जरूरत है इस टॉपिक पर। कवच का डिस्ट्रीब्यूटर अगर बने तो क्यों बने, उसका आंसर प्रेमचंद ने बहुत ही सरल तरीके से दे दिया है। तो इसी की ओर सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये क्या अनुभव के साथ ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना सही रहेगा, या जो लोग डायरेक्ट लेना चाहते हैं जिन्होंने इस चीज का अनुभव नहीं लिया, ये वर्क उनके लिए भी बहुत ईजी रहेगा? सवाल बहुत अच्छा है आपका, इसका दोनों जवाब है, हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए कि पहले आपको अनुभव लेना चाहिए ताकि आपके पैसे बर्बाद ना हो, आपका मेहनत बर्बाद ना हो, आपको ये समझ में आ जाए कि काम क्या है, कैसे करना है, तो करो। और ना इसलिए क्योंकि माँ के पेट से कोई बच्चा कुछ सीख कर नहीं आता, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको सीखना है, यकीन मानिए उस दिन से ही आपकी पहली कक्षा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, डेडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप क्या जानते हो और क्या नहीं जानते हो डजंट मैटर, मैटर करता है आपके अंदर डेडिकेशन कितना है। अगर आपने सोच लिया कुछ आपको कर जाना है तो यकीन मानिए, वो कहते हैं ना कि एग्जांपल समझिए आपकी, आप दिल्ली से जयपुर निकले, कोहरा इस समय बहुत, आपको पता है रोड बहुत है ना, और आप परेशान हो कि भाई मेरी गाड़ी का लाइट से तो केवल 200 मीटर दिखता है, मैं 300 किलोमीटर कैसे जाऊंगा। यकीन मानिए जब आपके गाड़ी के लाइट पर आपको भरोसा होगा कि 200 मीटर आपको दिखेगा,
तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 200 मीटर देखते देखते 300 किलोमीटर कब पहुंच जाओगे। अगर आप निकलने से पहले ही आपने गाड़ी में चाबी लगाया और देखा, आपको दिखा दिया, अरे भाई रास्ता तो 300 किलोमीटर का है, गाड़ी के लाइट से केवल 200 मीटर दिख रहा है, मैं 300 किलोमीटर कैसे जाऊंगा, यकीन मानो आप फेल हो गए, आप नहीं जा पाओगे। लेकिन हमें भरोसा है हमारे गाड़ी के लाइट पर, हमारी आंखों पर, जो मात्र थोड़ी दूर देख पाता है कोहरा में, लेकिन वो थोड़ी दूर देखते देखते हम 300 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर जितना दूर जाना चाहो कैसे कवर कर लेते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता। बस यही मैटर करता है और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच सर हमारे सभी क्वेश्चंस के इतने सरल जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगी कि आज का जो हमारा टॉपिक था उसका मेन पॉइंट ये था कि अगर कवच एक्सा कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता है तो वो किस तरीके से ले, इसके साथ उनकी क्या सिक्योरिटी रहेगी, ये ग्रोथ किस तरीके से करेगा, कैसे बने, क्यों बने। मुझे लगता है कि इस वीडियो के चलते आपके सारे जो क्वेश्चन थे वो सभी सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ ऐसा पूछना है जो इस वीडियो में नहीं हो पाया तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप उससे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके अंदर जो भी सवाल है, जो भी समस्या है, आप उनको दूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।